चुका हूँ, मैं बाइक साइड में पार्क कर दिया हूँ। गरम कुंड की तरफ जा रहा हूँ, गरम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अभी जस्ट मैं अंदर आ चुका हूँ, छोटा सा मार्केट है बगल में, वो दिख रहा है आगे। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के चलना पड़ेगा। आपको अंदर बहुत सारे नहाते दिख जाएंगे। अगर गर्म पानी कुंड का मज़ा लेना चाहते हैं आप, तो जनवरी दिसंबर या ठंड के समय आइए। गर्मी में आइएगा तो गर्म रहेगा तो आप नहा नहीं पाएंगे, ठंड में आते हैं तो आप गर्म नेचुरल हॉट वाटर का आनंद ले पाएंगे। व्यवस्थापक पंडा समिति या किसी भी पंडा पर इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। याद रहे, पॉकेट मारों और चोरों से सावधान रहे, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। धन्यवाद, हम आपके सुखद चलते हैं नीचे। मैं भी उतर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, नहा रहे हैं, गर्म पानी का आनंद। धान कुंड ये मेन कुंड है, ये है जो गर्म कुंड है। भीड़ बहुत सारा लगा हुआ है, बहुत भीड़ है। और नहीं शायद क्लोज है इधर, आगे चलते हैं। नेचुरल हॉट वाटर निकलती है 24 आवर, 24 घंटे। मेन कुंड यही है, आगे मैं ट्राई कर रहा हूँ और है या नहीं है मुझे तो पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा घूम कर देख लिया जाए। वाटर ये है मैन कुंड, बट मैं नहाऊंगा नहीं, इसका पानी हटता नहीं है, बहते रहता है। मतलब अंदर से पानी निकल रहा है, गर्म निकल रहा और बाहर निकल रहा है, जो पब्लिक नहा रहे हैं उसके अंदर बैठकर, वैसा नहीं कि वो पानी स्टोर है, वो पानी बाहर जाते रहता है, इसलिए प्योर वाटर है, मतलब गंदा पानी नहीं है। और अगर आप इस यहाँ विजिट करने आते हैं तो समर छोड़कर विंटर में आइए, तो आप गर्म पानी का, गर्म कुंड का आनंद ले सकते हैं। तो मैं गर्म कुंड विजिट कर लिया हूँ, सोन भंडार और क्या बोलते हैं उसे, और अदर्स जो भी है विजिट करने। अभी मैं सोन भंडार पहुंच गया हूँ, दिख रहा होगा आपको पीछे,
मैं बाइक यहाँ पे खड़ा किया हूँ और चलते हैं सोन भंडार के अंदर। उसके बाद निकलेंगे पांडू पोखर की ओर। पांडू पोखर एक पार्क है, सोन भंडार, पांडू पोखर डिफरेंट है। मैं सोन भंडार के अंदर हूँ। ये सोन भंडार पॉप ऐसे तो लोकल बोलते हैं यहाँ पे, किंग बिंबिसार का खजाना स्टोर किया गया, छुपाया गया, रखा गया है, वो दिख रहा होगा। ये पूरा गुफा टाइप का है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है। बट अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म के अनुसार ये जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट जो चंटिंग, पहला चंटिंग और बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे हुआ था। बट यहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि ये किंग बिंबिसार का जो खजाना है यहीं पे स्टोर किया गया है, रखा गया है, इसलिए इनका ये जगह का नाम सोन भंडार रखा है। लोग बोलते हैं सोन भंडार यहाँ के लोकल्स, और भी वही नाम है। सो भी उधर पीछे चलते हैं देखने के लिए। ये उसी से रिलेटेड कुछ पार्ट्स है। अभी यहाँ पे देखेंगे बुद्धा का ही स्टैचू है, बट हल्का डैमेज है। हल्का क्या, पूरा डैमेज है। तो ये शायद ये उस समय गुफा हुआ करता था, बट ये टूटा हुआ है, तोड़ा गया है। यहाँ भी यही है, एक बुद्धा का स्टैचू है बट पूरा डैमेज कर दिया है। गवर्नमेंट का कुछ खास ध्यान नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे लोग पता नहीं क्या अपना नाम भी लिख दे रहे हैं। प्लीज़ अगर ऐसा अगर विजिट करने आते हैं आप तो भारत का धरोहर को नष्ट मत कीजिए। जहाँ तक प्रोटेक्ट करने से आपका बने वहाँ तक कॉपरेट कीजिए। यही वो सोन भंडार का जो अंग्रेज तोप से तोड़ने का ट्राई किया था। वो दीवार को अंदर चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। मैं भी अंदर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, कुछ पाली में कुछ फॉन्ट लिखा हुआ है जो यही रहा, शायद आपको दिख रहा होगा। इसे पढ़ने से इसका डोर खुल जाए, ऐसा लोगों ऐसा मानते हैं। बट बुद्धिज्म के अनुसार ये अंदर, इसके अंदर भी एक गुफा है जो बुद्धिस्ट चैंटिंग के लिए यूज किया गया था। बट लोगों को मानना है ऐसा कि ये चैंटिंग के लिए, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें किंग बिंबिसार का खजाना यहीं स्टोर किया गया है, रखा गया है। बट ऐसा लोगों को बिलीव है और मान्यता है। मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, ये रहा एंट्रेंस और एग्जिट यही है। और ये जो है यहाँ से एक बार अंग्रेज वन टाइम या टू टाइम ट्राई किया था उस दरवाज़ा को तोप से उड़ाकर खोलने के लिए, बट उसे अंग्रेज गवर्नमेंट को कुछ खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ डैमेज नहीं हुआ। उसके वजह से फिर वो जो अंग्रेज ऑफिसर थे फिर छोड़ दिया, इसे वैसा ही छोड़ दिया। यही है सोन भंडार और इसका स्टोरी। अंदर में आवाज़ बहुत गूंजता है। और ये एक प्लेस है, बुद्धिस्ट साइट है, बुद्धिस्ट बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है बुद्धिस्ट लोग का भी। ये फर्स्ट चैंटिंग से रिलेटेड है समथिंग, ये
बुद्धा चैंटिंग्स है, इसलिए यहाँ पे बुद्धिस्ट पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं और इंडियंस खासकर अट्रैक्ट होते हैं इसे सोन भंडार के नाम से और इसका जो स्टोरी है उसके वजह से। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और बोर्ड पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे सोन भंडार। चलते हैं आगे। अभी मैं यहाँ पे मनियर मठ के पास हूँ, बोर्ड देख सकते हैं आप। ये एरिया थोड़ा गंदा है, पब्लिक को थोड़ा इधर उधर प्लास्टिक फेंकना नहीं चाहिए। बुद्धिस्ट अट्रैक्शन और ये मनियर मठ है जो ये बुद्धिस्ट लोग के लिए बहुत मायने रखता है बिकॉज बुद्धा से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। और ये एक ये जो स्तूपा है बुद्धा का और हिंदुज़म के अनुसार ये कुछ मनियर समथिंग है जो मुझे डिटेल्स में पता नहीं है अभी। बस इस चीज़ को बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना भी है। नीचे चलते हैं देखते हैं कैसा है। ये है जो स्तूपा है, ये स्तूपा है और कुआं भी बोला जाता है। बट बुद्धिस्ट स्तूपा जैसा बनाया हुआ है। आगे से आपको ले चलेंगे अंदर। ऐसा पहले बोला जाता था कि ये एक स्टोरेज है जो कुछ चावल वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करते थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये स्तूपा है। ये है एंट्री एंड एग्जिट, यही से बहुत पुराना है। अंदर शायद अंधेला है जो ठीक से दिखेगा नहीं, बट चलते हैं। ये है वो जिस जो अनाज ये रखने के लिए यूज करते थे और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिकॉज कुछ लोग बताया है कि ये स्तूपा, कुछ लोग बताया है कि ये बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड है और हिंदुज़म से भी कुछ टाइम तक यहाँ पे कुछ रहा है। बुद्धा के नाम से ज़्यादा पॉपुलर। अंदर थोड़ा सा गड्ढा है, ज़्यादा वो गड्ढा नहीं है और कुआं भी बोला जाता है, बट देखने में तो मुझे कुआं ही लग रहा है। एक प्रकार का ये स्तूपा है, बुद्धा स्तूपा। अभी चलते हैं बाहर। पूरी तरह से थक गया हूँ। निकलते हैं पांडु पोखर की तरफ। राजगीर अधिकतर तो मैं घूम ही चुका हूँ प्लेसेस, बस अभी पांडु पोखर बाकी है। बाइक स्टार्ट कर दिया हूँ, ऑन कर लिया हूँ और बाइक स्टार्ट करना बाकी है। अभी मैं चलते हैं पांडु पोखर की तरफ।